वेलकम दोस्तों मेरे चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू मेरे GTX 1060 Zotac Amp Edition 3GB वेरिएंट। तो गाइस इस रिव्यू में हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे हम जो Amp Edition और जो नॉर्मल GTX है, और बेंचमार्क भी करेंगे और प्राइस पॉइंट की भी बात करेंगे। तो गाइस चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो गाइस अगर हम बॉक्स के सामने देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत बॉक्स है और सामने डिटेल्स भी दिए हुए गए, Amp Edition वी आर रेडी, 3GB DDR5 और साइड में भी, और आप देखते थे और साइड में 3GB और डिटेल्स दिए गए, प्राइस पॉइंट कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ। तो ये मैं पार्ट जो है मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा आप लोग के लिए। तो गाइस सेकंड बॉक्स खोलने पर आपको पहली चीज़ जो दिखेगी वो है ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन CD, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं आजकल। और क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, और उसके पीछे है सोनिक फॉर्म पॉसिबिलिटी, जो एक छोटा सा फॉर्म फैक्टर PCS और टैक का, उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। और ये रहा ग्राफिक का, जो एक बैग में जो एनेस्थेटिक बैग जो बोलते हैं हमें, उसके अंदर है। और इसके पीछे आप देख सकते हो एक 6-पिन कनेक्टर भी है जो मैं देखना भूल गया था, और ये भी नज़र उस पर पड़ी अभी। तो गाइज ये रहा ग्राफिक का। जो सबसे पहली चीज़ हमें जो दिखनी मिलती है सामने वो है इसके दो फैन 90mm के। यस गाइज काफ़ी खूबसूरत फैन है, और साइड में अगर हम देखेंगे तो Zotac लिखा हुआ है, और 6-पिन कनेक्टर इसमें लगे हैं जो आप देख सकते हो, और कॉपर पाइप दिया गया है गाइज जो हीट सिंक से कनेक्टेड है। इसका हीट सिंक काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है, और पीछे इसके बैक प्लेट नहीं है जो ठीक है। और रियर आईओ की बात करेंगे तो हम इसमें एक HDMI पोर्ट, 3 डिस्प्ले पोर्ट और एक DVI पोर्ट दिया गया है। और गाइस ये ग्राफिक का ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, काफ़ी अच्छा है दिखने में, काफ़ी खूबसूरत है और लाइट वेट है। तो गाइस अगर हम इस कार्ड की फिनिशिंग की बात करेंगे तो जो इसकी बॉडी है वो सामने वो मेटल बॉडी है, और जो कलर आप देख सकते हो जो ग्रे सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ, जो ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ दिया गया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत कार्ड है गाइस दिखने में, काफ़ी अच्छा। और अब तो गाइस अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे इस कार्ड की, तो हम कोडा कोर्स देखेंगे यहाँ पे जो है 1152, और जो वीडियो मेमोरी वो है 3GB DDR5, और जो मेमोरी बस है वो 192 bit है। और गाइस अगर हम कोर क्लॉक की बात करेंगे इस Amp Edition और जो नॉर्मल GTX जो 1063GB है, तो दोनों के जो कोर क्लॉक और बूस्ट क्लॉक में थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, लाइक तकरीबन 70 MHz के आसपास में। तो गाइस अगर आपको फुल कंपैरिजन देखना है तो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो। और गाइस इसकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो है 400 वॉट की पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी आपको, बट ये कार्ड जो है वो 120 वॉट्स यूज़ करता है। और इस कार्ड की खास बात ये है कि ये ज़्यादा ओवरहीट नहीं होता, आप इसको और भी पुश कर सकते हो जो नॉर्मल इसके बूस्ट क्लॉक्स है, क्योंकि इसमें दो फैन है तो आप इस पर ईजीली अब इसको और पुश कर सकते हो। तो गाइस अभी हम बढ़ेंगे बेंचमार्क की तरफ। तो बेंचमार्क के लिए गाइस मैंने यहाँ पे 3 गेम लिए हैं जो मैं ज़्यादा खेलता हूँ, GTA 5, CSGO और Dota 2। तो गाइस हम जो बेंचमार्क में जो आपको डिटेल्स दूंगा वो है जो मैं विदाउट रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग जो फ्रेम्स मुझे मिलते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं बेंचमार्क की तरफ गाइस। तो गाइस जैसे कि हमने बेंचमार्क देखा, जो बेंचमार्क की रिजल्ट है गाइस वो एकदम ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि मैं 5 साल पुराना CPU यूज़ कर रहा हूँ जैसे आप देख सकते हो, तो मुझे बॉटल नेक के इशू भी आए। बट मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इसमें करंट जेन के प्रोसेसर है, जो लेटेस्ट प्रोसेसर आप अगर यूज़ करोगे तो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा, फ्रेम्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो गाइस मैं अगर सजेस्ट करूँगा ग्राफिक कार्ड के बारे में तो आप ज़रूर इस ग्राफिक कार्ड को लीजिए, पर मैं फ्यूचर में ज़रूर अपना PC अपग्रेड करूँगा जो CPU और मदरबोर्ड है। तो अगर मैं फ्यूचर में करता हूँ तो मैं ज़रूर बेंचमार्क फिर से बनाऊँगा। तो गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ करता था, तो गाइस वो ग्राफिक कार्ड ये रहा, GTS 450 400 सीरीज का ग्राफिक कार्ड है,
1GB DDR5। तो गाइस ये ग्राफिक कार्ड जो मैं तकरीबन 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी साथ दिया इस ग्राफिक कार्ड ने मेरा। और जो ये आप रेफरेंस देख रहे हो ये गैलेक्सी रेफरेंस है, जो अभी इसका नाम चेंज हो गया गैलेक्स, तो अभी गैलेक्सी से गैलेक्स हो गया है। तो गाइस ये कार्ड अभी वर्क कर रहा है, ऐसे नहीं कि कार्ड कम्प्लीटली डेड हो गया, ये कार्ड अभी भी वर्क कर रहा है, बस मुझे अपना पी सी अपग्रेड करना था, मैंने इसीलिए ग्राफिक कार्ड चेंज किया। तो गाइस अभी हम बात करेंगे प्राइस पॉइंट की। तो गाइस इस जो GTX 1060 एम्प एडिशन का जो रिटेल प्राइस है मुंबई में वो है 18,200, और जो नॉर्मल GTX 1063GB का जो प्राइस है मुंबई में वो है 17,400। तो गाइस मैंने सोचा कि 800 और पे करके मैंने एम्प एडिशन खरीदना ज़्यादा बेटर समझा। और अगर आप ऑनलाइन देखोगे इसका रेट तो काफ़ी हाई है, लाइक तकरीबन 1,000 to 1,500 रेट ज़्यादा है ऑनलाइन, बट अब के ऊपर है गाइस। तो गाइस ये रहा हमारा आज का अनबॉक्सिंग और रिव्यू मेरे GTX 1060 एम्प एडिशन का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, और लाइक करना तो आप लाइक भी कर सकते हो। अगर आपको और रिव्यू वीडियोस देखना है मेरे तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं और रिव्यूज़ वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में आप लोगों के लिए। तो गाइस अभी के लिए बाय, टेक केयर, और अभी हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट गेम प्ले में जो मैं अभी इस ग्राफिक कार्ड से बनाने वाला हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो गाइस टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।